जी टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में चल रहा है जारा और कबीर का पानी वाला रोमांस। भाई आज तो जारा के लिए कबीर बन गए हैं प्लम्बर। असल में काजी साहब जब पानी निकालने पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नल खराब है। ऐसे में उनकी मदद करने वहां पहुंच जाती है जारा। जारा नल ठीक करने की खूब कोशिश करती है लेकिन हो जाता है गड़बड़ घोटाला और पूरा पानी जारा पर उड़ने लगता है। तभी वहां उसकी मदद करने पहुंचते हैं कबीर और फिर शुरू होता है नल वाला रोमांस। यानी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है जारा और कबीर का किस्मत कनेक्शन। हम उम्मीद करें आप जो कह रहे हैं वो गलत हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसको जलन हो रही है तो हो सकता है कि देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक फैमिली में ना हर इंसान एक दूसरे को समझ तो सकता है लेकिन उसकी पूरी कहानी नहीं जान सकता। अभी अबू हमारी मदद क्यों इतना करना चाह रहे हैं वो अबू को पता है, वो हमें पता है, लेकिन कशान भाई को हो सकता है ये लगे कि क्यों इस छोटू को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्यों हमें नहीं मिल रहा। शायद कशान भाई बहुत मुश्किल दौर से गुजरे होंगे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, लेकिन हमें इतनी आसानी से, हम मना करें फिर भी अबू कह रहे हैं कि 50 लाख, तो उसको लग रहा होगा कि क्यों इतनी आसानी से उसको मिल रहा है और हमें नहीं, जबकि उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन यही होता है कि जैसे मैंने अब कुछ देर पहले आप किसी और के सवाल का जवाब दिया कि दोनों गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ अगर मैं अंधेरा डाल दूं पूरे स्टोरी पर, सिर्फ आपको कशान की स्टोरी दिखाऊं तो आपको लगेगा कशान सही है कि क्यों कशान को इतनी मेहनत करनी पड़ी है एंड उसके छोटे भाई को नहीं। लेकिन अगर आप मैं उधर पर्दा डाल दूं एंड सिर्फ आपको ये कहानी दिखाऊं तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, वो बड़ा भाई क्यों जल रहा है। तो वही होता है कि हर इंसान को सब चीज़ नहीं नज़र आती, तो उनका जलना हम उम्मीद करते ज़्यादा गहरा ना हो। वो रोमांटिक नहीं है, हमें लगता है वो थोड़ा कॉमिक सेंस में जाएगा क्योंकि ज़ारा कुछ चीज़ रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, एक वो क्या कहते हैं उसको, नल को, टैप को, एंड वो तोड़ देती है तो उसकी वजह से हम भीग जाते हैं। रोमांस तो नहीं है, मे बी ये एस्पेक्ट में कबीर इज़ बेटर एट प्लम्बिंग दैन ज़ारा, तो इसलिए प्लम्बर की ज़रूरत नहीं, कबीर है ना। जी टीवी के सीरियल ये तेरी गलियां में पुच की है बेहद परेशान, रो रो कर उसका बुरा हाल है क्योंकि उसकी बेटी कृषि हो गई है किडनैप, और ऐसे में शान पुचकी को संभालने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दे कि पुचकी की बेटी कृषि को किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि नंदनी ही है।